people, how's y'all? Welcome back to our channel once again, Tweakers World. So, I hope you all are doing great. इस बार मैंने माइक इनको पहना दिया। हाँ, क्योंकि मेरी आवाज़ बड़ी कम थी। हर बार सबका यही होता है कि यार इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। Actually, लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। Actually, चक्कर ये था कि माइक ये पहनती थी, इसलिए मेरी आवाज़ कम थी। लंदन जाने का रेडी भी हो गए थे बट ये इनकी और ये मेरे भाई साहब की सुस्ती की वजह से वी गॉट लेट, तो फिर लेट जाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए घर पे बड़ा बवाल उठाया इसने, इसलिए इसको शांत करवाने के लिए बाहर लाए हैं कहीं ना कहीं घुमाने। मैंने कहा चल घुमा आते हैं कहीं ना कहीं। टुडे आई एम फ्लॉटिंग माय नेल्स आल्सो, शुगर लगाए। तो आज हम आए हैं घूमने। एक चीज बताऊं, वैसे मेरा मन नहीं था, ये पीछे पड़ गए थे, नेल पेंट लगा तो लगाती नहीं है वो, तो मैंने लगाया है। और जब लगा रही थी ना यार, ऊपर कार के रूप पे थोड़ा सा नेल पेंट लग गया। शीशी यार बताया नहीं है यार, पढ़नी है बहुत सारी कपड़े। मैं यार उसको रिमूव नहीं कर सकते किसी तरीके से, क्या हाँ रिमूव नहीं कर सकते उसको किसी तरीके उसी से करना था। नहीं हो रहा ना, कुछ कर लेना सच बात। तो अभी आई गेस वी हैव कम न्यू प्लेस फॉर अस, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं जगह को, भी देखते हैं क्या नया मिलता है, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो ब्रदर हैज टोल्ड मी दैट इट्स अ वेरी गुड प्लेस। सो जीरा तो यही घूमने जा रहे हैं अब अभी, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है खाने पीने के लिए। तो लेकर चलते हैं आपको अंदर लो फिर आज तो गोरी की किस्मत ही खराब है। हम आए अभी 6 बजे हैं और 6 बजे तक ही इसकी एंट्री थी, 6 बजे बंद हो गया ये, 6 बजे तक ही एंट्री थी इसकी। और उसकी शक्ल देखो क्या उतरी हुई है, गुस्सा उसको। शूज इतना कहने डिस्को डांसर वाले डाले हुए गोरी, इतने डिस्को डांसर के शूज लाई है, फेस देखना इसका। अब गुस्सा हो गई है, चल कुछ खा लेते हैं। फिर आने दे खाना, घर पे चले फिर बोल फिर नहीं खाना, घर पे चलते हैं। एक तो खिला रहा हूँ ऊपर से नखरे। और देखो कुड़ी देख, ओहो तेरे को ठंड लगती है, कुड़ी तो गर्मा गर्म ही है। चलो खाने ही चलते हैं। चल कुछ ना कुछ खिलाता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं, कुछ ना कुछ खिलाऊंगा। ठंड नहीं लगती तुझे? प्रभा अगली गर्म है, तू ठंडी है, बाकी तो गर्म है। टैटो देखा अगली बार, अगली प्रिंसेस आपकी नजर किधर किधर जा रही है बता रहे हैं। चलो यार चलते हैं कुछ खाते हैं भाई, जो भी हो सही लाइफ तो यही जीते हैं, नो डाउट यार। मतलब हम पता नहीं कहाँ रह रहे थे इतनी देर की, पार्टी जो रही है
और पीछे पता क्या हुआ, मेरे को पता नहीं चला, वो एक दूसरे ना पिक क्लिक करवा रहे थे। मैंने कहा, मैं रुक गया तो मुझे बाद में पता लगा इसके साथ पिक क्लिक करवा रहे हैं, गोरी के साथ। वाह गोरी वाह, लाजवाब। और देखे पब शब जाना है क्या? हाँ? पब शब जाना है। पापा तो मैं घूमता है, मैंने की है घुमाने वाला, मैंने कोई लड़ता पब आपने पब क्या करने जाना मेरे को पता है क्या करने जाना पब यहाँ पार्टीज होती है तो हम पार्टीज करने ही जाते हैं पब। बफेट सिस्टम है यहाँ पर, अच्छा है कोई रेस्टोरेंट से मार्केट में इंडियंस है यहाँ पर। ये देखिए मोमोज मिले हैं, मोमोज हमने डाल ही लिए, मर्जी आप मेरी मर्जी है। देखो यहाँ पे पास्ता मोमोज पिज़्ज़ा लगती जाती है, एक ही बार ले लो दोबारा किसम लेने को मिले नहीं मिले। ये देखो मुझे चॉपस्टिक यूज़ करने के लिए आती। चॉपस्टिक्स है कंडे पकनी कैसे है ये नहीं पता है खा छोड़ो यार। खैर मैं आपको फूड टेस्ट करके बताती हूँ यहाँ का कैसा है। कल वी हैव गॉट मोमोज और इन मोमोज की बड़ी ही बड़ा मिस किया हुआ है। टू कोबरा पॉइंट व्हाट बियर डू यू लाइक टू इंडिया के मुकाबले तो प्लेटें देखा कैसे कैसे बड़ी हुई हैं। ओके ओके तो अभी हमने ये डिशेज टेस्ट किए, इसके बाद बाकी जब और लाएंगे घर फिर बताते हैं, फिर उसका बताएंगे अगली प्लेट आपको बताते हैं थोड़ी देर बाद। सो वी कैन सी दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट दे हैव गिवन। अगर इफ यू वांट चाउमीन, थैंक यू। सो व्हाट यू नीड टू डू, मेरे चाउमिन बन गए हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू एड, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड देन दे विल कुक फॉर यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सही सही आइटम्स हैं फॉर अस, इनमें से आधी तो मैंने खा चुकी थी तो अभी कुछ रह गई है, पहले मैं चाउमिन खाऊँगी उसके बाद इन सब चीज़ों पर अटैक करूँगी। यहाँ पर समोसे भी हैं यार, आई जस्ट वॉन्ट टू पिक दिस। छिड़ी पापड़ियाँ, इनके बिना तो हमारा खाना अधूरा ही रहता है। तो अभी हम चाउमीन टेस्ट करेंगे, देन आई लेट यू नो कि इनका टेस्ट कैसा है। सो लेट्स ट्राई नाउ। सारा केले हार गए तीसरी बार, सारा मैं ही खा रही हूं, आपने भी खा ले, मेरा हाल देख रहा हूं, मेरा प्लेट वाला भी यही खा रही है। चिकन विंग्स, चिकन नगेट्स, मार्गेटा पिज़्ज़ा, फिश पकौड़ा, चिप्स। ये देखिए बस ये बाकी था, वो वाली प्लेट पीछे छोड़ी, गोल गप्पे
पानी पूरी। हाउ इज इट? यहाँ जवान है, जवान है, बुड्ढे देखो क्या एंजॉय करते हैं। वो देखो बुड्ढे, मेरा भी दे दो, ठीक है। इतनी भी अच्छी नहीं, स्पाइसी स्वीट, स्पाइसी भी है, हाँ हल्की सी स्पाइसी। फूड का रिव्यू मैं बाद में दूंगी, जो मैं खा रही हूँ मैं एटलीस्ट हर चीज़ टेस्ट कर रही हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, चिकन विंग्स खाए मैंने, अच्छे हैं। नगेट्स खाए वो भी अच्छे हैं। ये जी अब ये भी आ गया, ये ही दूर था, ये रही खा खा के जिसका पेट ही नहीं भरता है। दो स्पून है, दोनों अपने लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए देखिए, हाउ इज इट? एक करके चेक करके बताइए अब। ओके okay, ये कॉफी फ्लेवर में था, ये क्या शॉर्ट्स है, ये क्या है, बड़ी है, जेली जेली जेली। लो जी हम निकल चुके हैं अब घर के लिए, इतना खा पी के मौजा ही हो गई है, मौजा ही हो गई है। ज़्यादा मौजी हो गई थी, फ्रंट कैमरा देखो। नहीं बात ठीक है, नहीं होगा चेंज अभी। हाँ बोलो। इनकी मौजी ये थी, एक्चुअल क्या हुआ, हम अपना रिसीवर भूल गए थे माइक को, तो मैं बताता हूँ। भैया ने कहा कि जाकर ले आ, और जब मैं और भैया तो नीचे फैले आ गए, और जब ये आने लगे, ये है गए लिफ्ट में, और चार हूर परियां भी साथ में लिफ्ट में, एक तो इनकी चांदी, फिर हो गया सोने पे सुहागा, लिफ्ट बंद हो गई यार। मैं तो क्या, जैसे ही पता आप निकल गए ना, आप नीचे आ गए ना, तो मैं रिसीवर लेके आया, मैं जैसे लिफ्ट में घुसा, चार वो लेडीज़ वो भी आ गई लिफ्ट में, जब आने लगे तो रास्ते में लिफ्ट ही बंद होगी, लाइट बंद होगी, अंधेरा कसम से। मैंने जल्दी लाइट ऑन की, फ्लैश लाइट ऑन की, कहती ओह यू आर ट्रैप, नो मैं कहा नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी, छटती उछड़ी है। शादी तो शादी रही, नहीं शादी तो शादी रही, पता तूने तो ये बफेट, ये बफेट सिस्टम है, नहीं बफेट सिस्टम था, तुमने तो यहाँ भी नहीं बख्शा, इनको भी मैं चूना लगा दी। मैं बहुत खा नहीं सके, मुझे ये बहुत क्यूट से लगे, तो मैंने उनको पूछा कहना है टेक दिस लॉन्ग विद मी, देखा ना कि ये यूज कर मिले आई क्या ट्राई है भाई। बस अब हम घर चले हैं और ब्लॉग खत्म करने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है। सो गाइस वी हैव रीच्ड होम, प्लानिंग थी लंदन जाने की, जो कि पहले क्रॉस लगा, उसके बाद हुआ कि श्रीलंका देख लिए जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वहाँ की टाइमिंग थी एंट्री की 5 o'clock एंड वी रीच देयर एट 6 o'clock, फिर भी कांटा बच गया। फिर थोड़ा बाहर घूमते घुमाते हमने सोचा कि थोड़ा डिनर करते हैं नई जगह से, तो वो भी फूड अच्छा था ओवरऑल, कुछ एक चीज़ें थी जो कि लाइक थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगा, लाइक मैंने तो ज़्यादा वेज खाया, नॉन वेज इन्होंने खाया, आपके अकॉर्डिंग नॉन वेज कैसा था? अच्छा था, बेस्ट बेस्ट। मैं इतना मैं कहूँगी कि लाइक मैंने ये कहा है कि चलो ठीक है, ये ऐसी जगह है जिससे हम दोबारा विजिट करेंगे। सो जो बर्मिंघम में रह रहे हैं या जो आना चाहेंगे, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी मस्ट विजिट दिस प्लेस, दैट्स अ जिमी स्पाइसी रेस्टोरेंट। फूड बहुत अच्छा है, बफे सिस्टम है, और मैं ये भी उठा के लाई हूँ। तो ओवरऑल हर चीज़ ऑसम थी, अनलिमिटेड अमाउंट में थी, और बफे सिस्टम नॉर्मली तो ना कि मैं पहले बफे सिस्टम जो ट्राई की है कि आइटम्स लाइक होती लिमिटेड अमाउंट में आइटम्स होती, चाहे अनलिमिटेड आप खा सकते हो, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने हर एक चीज ही ट्राई की, हालांकि मेरी प्लेट देखी हुई थी काफी भरी थी, भर ले रही थी, खा नहीं रही थी। हाँ नहीं, मैं मेरा मेन था कि मैं हर चीज को ट्राई करूँ, तो जितनी ट्राई की ओके थी, बट सारी चीजें ट्राई नहीं हुई। सो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी विजिट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमने खाना है मीट, तो हम उसका रिव्यू हम खुद एक दूसरे को दे देंगे, उसकी वीडियो नहीं बनेगी नहीं। तो बाकी इनका पता नहीं, नॉन वेज का बता दो। नॉन वेज में बेस्ट था मुझे लगा चिकन नगेट्स, चिकन विंग्स,
बहुत अच्छे थे। फिश पॉन्स बहुत अच्छे, फिश पकौड़ा वो भी बहुत। इंडियन डेजर्ट में इन्होंने काफ़ी रखे थे, नहीं इंडियन डेजर्ट था जो मतलब स्वीट्स में था वो काफ़ी था। आइसक्रीम देखी खाई, आइसक्रीम फिर उसके बाद पैनकेक्स। बस मैंने अगर मिस किया तो प्रॉन्स किया, मेरा मन था बट मैंने आज खाना नहीं था बिकॉज आज हमारे नवरात्र का फर्स्ट डे है। ये भूल गए बड़ी बड़ी, यहाँ पर लोग इतना नहीं सोचते बट मेरा था। बड़ी चीजें जिनमें होता ही है, क्या क्या चीजें आप स्किप करोगे? नहीं पर मेरा था कि मैंने नहीं करना बिकॉज मेरे को थोड़ा मन में वहम रह जाता है। अब मैंने मोमोज खाए तो मेरे को डर लग रहा है मोमोज नॉन वेज ना हो यार। बट मुझे ये चीज अच्छी लगी, मुझे यहाँ पे ना आप राम मटेरियल ले सकते हो, जैसे कोई भी चिकन हो गया, प्रॉन्स हो गए, फिश हो गई, देन उसको अपने अकॉर्डिंग शेफ को दे सकते हो और कुक कर देंगे आपके अकॉर्डिंग, आप उसको बना सकते हो, कुक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको स्पाइसी चाहिए, जो सॉसी चाहिए उसमें वो कर सकते हैं उसमें जो ज्यादा। सो ओवरऑल हमारा व्लॉग अब यहाँ पर फिनिश होता है, तो अब कल का व्लॉग होगा हमारा। हाँ हमने यार कल लंदन जाना है, कल का भी ब्लॉग अच्छा ही होगा, आई होप आई विश अच्छा ही जाएगा। तो हमारा कल लंदन बताना यार, मैंने इस बार बोला है ना बोला है ना बोला है ना इतना बड़ा, ठीक है ना टाइम हो भाई यार, ये पहले भी खुद नहीं बोलते थे और ना मेरा आता था कि गोरी बोलने देती यार, बोलने देती है कुछ भी। ये देख आज मैंने माइक खुद रखा हुआ है, आवाज भी आ रही होगी मेरी, नहीं अभी माइक बंद है, आवाज लेकिन अभी आ रही होगी, ऐसे आवाज नहीं आती थी, बड़ी फोकस आपने गलत रखा हुआ है। माइक का भी मैंने इनको बोला था कि यार माइक आप पकड़ लो, मेरा वैसे ही कहते हैं हमारे पंजाबी में कहते हैं संगा बड़ा उच्चा मेरा। कल आज का दिन हमारा अच्छा रहा, इट वाज नॉट बैड एट ऑल, बट जिस काम के लिए था वो नहीं हुआ बट और अच्छे हो। चलो नेक्स्ट टाइम भैया ने कहा कि नेक्स्ट वीकेंड हम वहाँ विजिट करेंगे और जरूर हम वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे, जो प्लेस आज हम जा नहीं सके बिकॉज बंद हो गई थी। तो सी यू टुमारो, बाय बाय, लव यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक मैन शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye!